फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्लास 8 साइंस क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग शिफ्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, नेम द बैक्टीरिया विच कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। सो इसका आंसर लैक्टोबैसिल्स हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। व्हाट इज लेटरल इन्वर्शन? तो लेटरल इन्वर्शन क्या होता है, जब भी कोई लाइट किसी भी सरफेस से टकरा के वापस आती है तो उसे लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वेयर इज़ द एम्ब्रियो एम्बेडेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर डेवलपमेंट? तो इसका यूरेटस हो जाएगा। फिर पेट्रोलियम डीजल कहाँ से ऑब्टेंड होते हैं, कौन से नेचुरल रिसोर्सेज से होते हैं? तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड, तो फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसे। द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म बोलते हैं इसको। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैचुरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ट्रू फॉल्स से दो तीन हमारे, पहला था कोल टार इज वाइट, तो यही गलत है। कोल टार जो होता है वो ब्लैक होता है, तो फॉल्स हो जाएगा ये। फिर लैक ऑफ स्लीप, हाइपर टेंशन, एनजाइटी, ये सब किसकी वजह से होते हैं, नॉइस पॉल्यूशन की वजह से, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्योर इंक्रीज होल्डिंग ऑफ वाटर कैपेसिटी, तो सही है, मैन्योर इंक्रीज करता है। फिर व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑब्जेक्ट कांट चेंज इट्स स्पीड, तो ये गलत है, स्पीड चेंज करता है बट इसमें नहीं लिखा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर हमारे कुछ सेक्शन बी के दो नंबर के क्वेश्चंस थे ये, कि दो पेट्रोल के यूज बताने थे, तो इसका एक तो हीटिंग इफेक्ट में यूज़ होता है, दूसरा व्हीकल द्वारा यूज होता है। फिर एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स की लिस्ट बनानी थी, तो सनलाइट एयर जो होता है वो एग्जॉस्टेबल होता है, और इनएग्जॉस्टेबल में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आएंगे। फिर अ मेटल डिस फिल्ड विथ वाटर इज स्ट्राइक एट इट्स एज विथ अ स्पून, चेंजेस क्या होंगे? तो चेंजेस क्या होंगे, उसके अंदर एक फ्लो आने लगेगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग गिव इट्स यूज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, जब भी हम मेटल के ऊपर मेटल को कन्वर्ट करते हैं एज अ मैग्नेट की तरह, तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। फिर स्टेट वेदर द फॉलोइंग मटेरियल इज गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, तो हनी हमारा पुअर कंडक्टर, ऑयल केरोसिन पुअर, टैप वाटर जो होगा आपका वो गुड कंडक्टर होगा, लेमन जूस भी गुड कंडक्टर होगा। फिर डिफरेंस बताना था वीपी क्या है, वीवी पेरियस और ओवी पेरियस में, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, अभी के लिए आप क्वेश्चन पेपर देख लो, जिनका कल पेपर है उनके लिए तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। सो मैं सारी डिटेल में सब क्वेश्चंस के आंसर बना दूंगा शाम तक।